गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है और हम क्या करने वाले हैं, अपना लेसन नंबर 6 जो कि इंग्लिश रीडर का है, जिसका नाम है अ विजिट टू अ विलेज। इसे रीड करने वाले हैं, मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले, एग्ज़ाम में आएंगे ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ठीक है ध्यान से सुनिएगा। अब हम लेसन रीड कर रहे हैं। श्वेता वॉज गोइंग विद हर पेरेंट्स ऑन अ विजिट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। इसमें क्या है, एक बच्ची है जिसका नाम है श्वेता। श्वेता किसके साथ जा रही थी, श्वेता जा रही थी विद हर पेरेंट्स। पेरेंट्स किसको बोलते हैं, माता पिता को। ऑन अ विजिट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज, उनके गांव में घूमने के लिए जा रही थी। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं हमारे, जो दादा दादी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ घूमने जा रही थी। द कार ड्रोव ऑन द हाईवे फॉर सम टाइम। कार कहाँ पर चली, थोड़ी देर के लिए हाईवे पर चली। देन इट टुक द विलेज रोड, तब उन्होंने क्या लिया, टुक द विलेज रोड, गांव का जो रोड था तब वो गाड़ी उस पर चलने लगी, यानी उन्हें गांव वाला रोड पकड़ लिया। द रोड वॉज नैरो एंड कच्चा। रोड क्या था, नैरो मीन्स होता तंग, यानी तंग मीन्स छोटा। रोड बहुत तंग था एंड कच्चा, और क्या था, कच्चा था। द कार डिड नॉट मूव स्पीडली। अब देखिए दिल्ली में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है उनमें क्या होता है, रोड बहुत चौड़े चौड़े होते हैं और पक्के रोड होते हैं, तो हमारी गाड़ी क्या होती है, स्पीड से मूव करती है। लेकिन वो रोड कच्चा, नैरो था और कच्चा था, तो वहाँ पे क्या, जो गाड़ी थी वो क्या स्पीडली मूव नहीं कर पा रही थी, तेज़ी से नहीं चल पा रही थी। तो क्या कर रही थी, द कार डिड नॉट मूव स्पीडली, स्लो चल रही थी। शी फाउंड अ लॉट ऑफ ट्रीज़, तो उसने वहाँ पर क्या देखा, बहुत सारे पेड़ देखे। फील्ड्स, फील्ड्स किसको बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं खेतों को, किसको बोलते हैं, फील्ड्स खेतों को। एंड ओपन प्लेसेस, और खुली जगह देखी। श्वेता, श्वेता सेड, श्वेता ने कहा, पापा लुक हेयर दे आर, श्वेता सेड पापा लुक देर आर नो हाउसेज हेयर। तब श्वेता ने पापा से क्या कहा, पापा देखो यहाँ पर कोई भी घर नहीं है। लुकिंग एट द रोड अहेड, हर फादर सेड, उसके पापा ने कहा रोड में आगे देखो, ऑल दीज आर फील्ड्स। रोड में जब उसने आगे देखा तो वहाँ क्या था, सारे खेत थे। क्या थे वहाँ पे, सारे खेत थे। क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, और वहाँ पे क्रॉप्स किसे बोलते हैं बेटा, फसल को बोलते हैं। यहाँ पे सारी फसलें उगी हुई थी, ठीक है, ग्रोन मीन्स उगी हुई थी। क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, फसलें उगी हुई थी। वी गेट आवर फूड फ्रॉम हेयर, जो हमारा जो भोजन है वो किससे आता है, पापा ने बताया हमारा भोजन इन्हीं से आता है। ग्रीनरी लुक्स गुड सेड हर मदर, उसकी मम्मी ने क्या कहा, ग्रीनरी क्या होता है, हरियाली, हरियाली अच्छी हो दिखती है ना, तो उसकी मम्मी ने कहा हरियाली अच्छी लगती है। उस फिर उस वो क्या बोलती है, श्वेता ट्रू दिस इज़ द ग्रीनरी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही, दिस इज़ द ग्रीनरी दैट वी मिस द मोस्ट इन सिटीज़, ये हरियाली है जिसे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर सिटी में हम लोग इसे मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पक्के हाउस हैं, बड़े बड़े रोड हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो ग्रीनरी वहाँ पर नहीं होती, हरियाली नहीं होती ना, पेड़ पौधे कम होते हैं। सेड हर फादर, उसके पापा ने कहा, लुक देयर आर सम हाउसेस, यहाँ पर क्या है, कुछ घर हैं, बट ऑल ऑफ देम आर कच्चा, पर वो सारे क्या हैं, कच्चे हैं, मिट्टी के बने हैं। सेड श्वेता, श्वेता ने कहा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे एंटर्ड द विलेज, वो कहाँ एंटर्ड कर चुके थे, कहाँ प्रवेश कर चुके थे, एंटर्ड मीन्स प्रवेश करना, तो कहाँ प्रवेश कर चुके थे, गाँव में। गोइंग थ्रू मैनी स्ट्रीट्स, क्या बहुत सारी स्ट्रीट। द कार स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द पक्का हाउस, गाड़ी कहाँ जाके रुकी, एक पक्के घर के सामने गाड़ी जाकर रुक गई, स्टॉप मीन्स रुकी। श्वेता वी हैव रीच्ड ग्रैंडपास हाउस, तो श्वेता ने आपसे क्या, मतलब श्वेता ने कहा कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, ग्रैंडपा के घर पर। श्वेता श्वेता वी हैव रीच्ड ग्रैंडपास हाउस, गेट डाउन सेड हर फादर, श्वेता के पापा ने कहा, श्वेता हम ग्रैंडपा के घर पे, दादाजी के घर पर पहुंच चुके हैं। बट दिस इज़ नॉट अ कच्चा हाउस सेड सेड श्वेता, पर श्वेता ने क्या कहा, लेकिन ये तो कच्चा घर नहीं है, हर ग्रैंडफादर ओपन द गेट एंड कम आउट, उसके दादाजी ने, श्वेता के दादाजी ने क्या किया, घर का गेट खोला, दरवाज़ा खोला और बाहर आए। ही पिक्ड अप श्वेता इन हिज हैंड, और उन्होंने श्वेता को क्या किया, अपने हाथों में ले लिया, यानी गोदी में उठाना जो बोलते हैं ना, एंड सेड, और कहा, नॉट ऑल हाउसेज इन द विलेज आर कच्चा, यहाँ पर सारे घर कच्चे नहीं हैं। ऑल अदर मेम्बर्स टू कम आउट, और सारे घर के जो और भी जो मेम्बर्स थे वो भी सब क्या हो, बाहर आए। दे वेलकम देम, और उन्होंने उनका स्वागत किया, किसका, श्वेता की फैमिली का।
इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट श्वेताज हैड कम टू द विलेज. ये श्वेता का मतलब पहली बार था जब श्वेता कहाँ आई थी, गाँव आई थी. द हाउस वॉज बिग, घर क्या था, बहुत बड़ा था. इट हैड अ लार्ज कोर्ट यार्ड इन द मिडल रूम, इन द मिडल, और वहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा आंगन था बीच में, घर के बीच में एक आंगन था. रूम्स वर बिल्ड अराउंड इट, और रूम्स उसके क्या थे, चारों तरफ थे. शी फाउंड मैनी न्यू थिंग्स देयर, और उसने वहाँ क्या किया, बहुत नई चीज़ें देखी. पॉइंटिंग टू वन साइड, और उसने एक तरफ इशारा किया. शी क्राइड, वो चिल्लाई, लुक पापा देयर आर अ मॉन्स्टर व्हीकल. उसने क्या कहा पापा को, पापा देखो वहाँ पर क्या है, एक मॉन्स्टर व्हीकल है. अब मॉन्स्टर व्हीकल किसको बोलते हैं, बहुत बड़ा सा एक क्या. श्वेता ने एक तरफ इशारा करके पापा को क्या बोला, श्वेता एकदम से चिल्लाई कि वहाँ पर मॉन्स्टर व्हीकल है. और व्हीकल किसे बोलते हैं, वाहन, यानी क्या होते हैं, जैसे गाड़ी है, कार है, स्कूटर है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, व्हीकल होते हैं. तो उसने बोला हाउ बिग इट्स व्हील आर, उसके पहिए कितने बड़े हैं. तब इट इज़ नॉट अ मॉन्स्टर व्हीकल, सेड हर फादर. उसके पापा ने क्या कहा, वो मॉन्स्टर व्हीकल नहीं है, इट इज़ अ ट्रैक्टर. वो क्या है, ट्रैक्टर है. क्या है वो, ट्रैक्टर. यूज इन द फील्ड्स, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, खेतों में होता है. कहाँ होता है इसका इस्तेमाल, खेतों में. आंटी व्हाट आर यू डूइंग, आस्क्ड श्वेता. श्वेता ने आंटी से कहा, आंटी आप क्या कर रही हैं. तब हर आंटी वॉज ऑपरेटिंग अ हैंड मिक्सर, तो उसकी आंटी ने क्या कहा, मतलब आंटी क्या कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी हैंड मिक्सर को. अब हैंड मिक्सर क्या होता है, देखो बेटा गांव में क्या होता है, हम दही छाछ वगैरह बिलोते हैं ना, यहाँ पे तो मिक्सी होती है, प्लग लगाया हमने चला दिया, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता. गांव में हैंड मिक्सर होता है जिससे हम दही बिलोते हैं, हाथ से हमें उसमें चलाना पड़ता है. शीश हेट, देखिए हैंड मिक्सर क्या होता है, हैंड मिक्सर ये होता है जिससे हम दही या छाछ बिलोते हैं. जैसे अब मैंने आपको बताया हैंड मिक्सर क्या होता है, देखिए आपने कृष्ण कन्हैया जी की कहानी सुनी होगी ना, उसमें क्या कृष्ण जी माखन खाते थे, तो माखन क्या होता था, उनकी मम्मी घर में बनाती थी उसे, ऐसे वाले मिक्सर से, हैंड मिक्सर बोलते हैं इसे, है ना, हाथ से दही बिलोना छाछ बिलोना उसको. आई एम स्कीमिंग कर्ड, वो क्या कर रही थी, छाछ को बिलो रही थी, यानी फेंट रही थी, छाछ को बिलोना बोलते हैं. आई विल सेपरेट बटर फ्रॉम बटर मिल्क, वो क्या कर रही थी, सेपरेट कर रही थी, यानी बटर को अलग निकाल रही थी बटर मिल्क से. लुक द बटर हैज़ ऑलरेडी कम अप, विल यू टेस्ट इट, उसने देखा क्या, बटर अपने आप ऊपर आ गया. विल यू टेस्ट इट, आंटी ने बोला क्या आप मतलब चखना चाहोगी, इसे खाना चाहोगी. हर आंटी पुट अ लिटिल बटर इन हर माउथ, श्वेता शाउटेड वाओ हाउ टेस्टी, इट इज़ टेस्टियर देन द बटर वी गेट इन द सिटी. उनकी आंटी ने क्या किया, थोड़ा सा बटर उसके मुंह में डाल दिया, थोड़ा सा मक्खन. श्वेता चिल्लाई कि ये तो बहुत ज़्यादा स्वाद है, और ये उस मक्खन से भी ज़्यादा स्वाद है जो हम कहाँ पे लेते हैं, सिटी में लेते हैं. अब देखिए ऑल ऑफ देम लाफ लाउडली, सब लोग ज़ोर से हंसने लगे. क्लास फर्स्ट हमने लेसन रीड कर लिया है, इसके वर्ड वर्ड क्लास फर्स्ट यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, जिन्हें आपने किस में करना है, अपनी इंग्लिश की कॉपी में करना है. अब इसका हम क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे. बी है हु सेड दीज वर्ड्स, ये जो शब्द है ये किसने कहे. पापा लुक देयर आर नो हाउसेस हेयर, ये किसने कहा था, श्वेता ने. किसने कहा था, श्वेता. अब सेकेंड वाला देखिए, ऑल दीज आर फील्ड्स, क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, ये किसने कहा था, पापा ने, फादर ने कहा था. ग्रीनरी लुक्स गुड, किसने कहा था, ये मम्मी ने कहा था, मदर ने कहा था ना, श्वेता की मम्मी ने, मदर. नॉट ऑल हाउसेज इन द विलेज आर कच्चा, यहाँ पे सभी घर कच्चे नहीं हैं, ये किसने कहा था, ग्रैंडफादर, श्वेता के दादाजी ने कहा था, ग्रैंडफादर. इट विल सेपरेट बटर फ्रॉम बटर मिल्क, ये बटर से क्या कर रही थी, बटर मिल्क को अलग, बटर मिल्क से बटर को अलग कर रही थी. कौन कर रही थी, आंटी. कौन कर रही थी, आंटी. अब क्वेश्चन नंबर सी है फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स. द कार ड्रोव ऑन द हाईवे फॉर सम टाइम, क्या है, हाईवे फॉर सम टाइम, हाईवे पर थे ना थोड़े टाइम के लिए. द कार डिड नॉट मूव स्पीडली, कार स्पीड से नहीं चल रही थी स्पीडली. द कार स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ पक्का हाउस, गाड़ी कहाँ आके रुकी थी. हर ग्रैंडफादर ओपन द गेट, किसने गेट खोला था, ग्रैंडफादर ने. ग्रैंडफादर की स्पेलिंग आती है ना, GRANDFATHER, ग्रैंड फादर.
आंटी वॉज ऑपरेटिंग आंटी क्या ऑपरेट कर रही थी? हैंड मिक्सर. बताया था ना हैंड मिक्सर कैसा होता है, HANDY और MIXER, हैंड मिक्सर. अब क्वेश्चन नंबर डी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. किसके लिए? जो सही है उसके लिए ट्रू और जो गलत है उसके लिए फॉल्स. फर्स्ट है, द विलेज रोड वॉज नैरो एंड पक्का. जो विलेज के रोड थे वो क्या थे? नैरो थे और पक्के थे. तो क्या पक्के नहीं थे ना, वो कच्चे थे. तंग तो थे लेकिन पक्के नहीं थे, तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स. विलेजेस हैव लॉट ऑफ ट्रीज फील्ड्स एंड ओपन प्लेसेस. गांव में क्या होता है? बहुत सारे पेड़ थे, खेत थे और ओपन प्लेसेस, खुली जगहें थी. ट्रू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टी. क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन द फील्ड्स. जो फसलें थी वो किसमें? खेतों में उगी हुई थी, है ना. तो क्या आएगा यहाँ पर? ट्रू. विलेजेस हैव ओनली पक्का हाउस. गांव में सिर्फ पक्के हाउस होते हैं? नहीं, गांव में कच्चे हाउस भी होते हैं. तो क्या है? फॉल्स. बटर ऑफ सिटी इज बेटर देन दैट ऑफ विलेजेस. जो सिटी का बटर होता है, जो मतलब शहरों का जो मक्खन होता है, वो गांव के मक्खन से अच्छा होता है. फॉल्स, क्योंकि गांव का बटर क्या होता है? वो ज़्यादा टेस्टी होता है. तो फॉल्स आएगा. बताया अब दिस दैट दीज और दोज. तो हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में इसको फिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके इसको रूल समझा रही हूँ, ठीक है? कैसे फिल करते हैं. दिस इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल थिंग नियर टू अस. यानी हम दिस के, दिस किसके लिए यूज़ करते हैं? हम दिस एक पर्सन, एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे बिल्कुल पास है. और दैट इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉ अ सिंगल थिंग फार फ्रॉम अस. और दैट किसके लिए यूज़ करते हैं? वो भी हम एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सिंगल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमसे दूर है. दीज इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट मैनी थिंग्स नियर टू अस. और दीज, यहाँ देखिए मैंने दिस नहीं बोला, दीज बोला है. दीज किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास हैं. और दोज इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट मैनी थिंग्स फार फ्रॉम अस. और ये दोस्त किसके लिए यूज़ करते हैं? जब बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में बात करें जो हमसे दूर हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दोस्त. चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस दैट दीज और दोज. यानी हमें क्या कर रहे हैं? पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके हिसाब से हमें क्या फिल करना है? दिस दैट दीज और दोज. अब चलिए पिक्चर्स को देखते हैं. अब ये फैन की पिक्चर है, पास है दूर है? आई थिंक ये पिक्चर दूर है, तो दैट इज़ अ फैन, है ना. एक पिक्चर है ना, सिंगल है, दैट इज़ अ फैन. और देखिए अब यहाँ पे फ्लावर्स क्या है? बहुत सारे और पास में हैं, तो ये क्या आएगा? दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स. अब देखिए यहाँ पे क्या है? फ्रॉग है. फ्रॉग भी क्या है? हमसे दूर है, तो और सिंगल है, एक ही है ना, दैट इज़ अ फ्रॉग. अब यहाँ पर है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पास में है, अकेली है, एक ही है, तो देखिए बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी हमसे दूर है, तो दैट इज़ अ बटरफ्लाई. अकेली है ना, दैट इज़ अ बटरफ्लाई. अब ये बॉल है, हमारे पास है बिल्कुल, तो और वो भी एक नहीं है, एक से ज़्यादा है ना. मैंने कहा ना, एक से ज़्यादा चीज़ें अगर हमारे पास होती हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? दीज, दीज आर बॉल्स. अब यहाँ पे देखिए एरोप्लेन हमारे बिल्कुल पास है और एक ही है, तो दिस इज़ एन एरोप्लेन. तो क्लास फर्स्ट ये क्या था? आपका इंग्लिश का काम था, नीट एंड क्लीन. आप किस में करेंगे? इंग्लिश की कॉपी में करेंगे, एग्ज़ाम में आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन. और नीट एंड क्लीन PDF बना के हमें सेंड कीजिए, इसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस लगती है. और एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रही हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर ए. इसके क्वेश्चन ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसे आंसर आपको किसमें मिल जाएंगे? क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे. बाय बेटा, हैव फन.